गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, यू आर फाइन, गुड। आज आपका जीके का टर्न है, सो टेक आउट योर जीके बुक, चैप्टर नंबर 31, पेज नंबर 36, म्यूजियम्स ऑफ इंडिया। म्यूजियम्स ऑफ इंडिया, म्यूजियम किसे कहते हैं पता है? जहाँ पर कोई भी चीज़ को एकत्रित कर किया जाता है और उसको शो किया जाता है, ठीक है। म्यूजियम इज अ बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग एंड एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और कल्चरल इंटरेस्ट फॉर द स्टडी, एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ म्यूजियम्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम। म्यूजियम इज अ बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग एंड एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल। म्यूजियम एक इमारत है जिसका उपयोग अध्ययन, शिक्षा और एंजॉय के लिए किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक और कल्चरल इंटरेस्ट को चीज़ों को इकट्ठा करने और आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए म्यूजियम की तस्वीरें पहचाने और उनका नेम लिखें, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी पिक्चर दी गई है उनको आइडेंटिफाई करना है और नेम लिखना है, ठीक है। देखिए इधर, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये म्यूज़ियम बना हुआ है। इस म्यूज़ियम का नाम है नेशनल म्यूज़ियम। क्या है? नेशनल म्यूज़ियम। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ नेशनल म्यूज़ियम? NATIONAL, नेशनल। MUSEUM, म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम। सेकेंड है आपका वाराणसी। ये वाराणसी में म्यूज़ियम है, वाराणसी में है। भारत कला भवन, भारत कला भवन। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ भारत कला भवन? BHARAT, भारत, KALA, कला, BHAVAN, भवन। ओके, हैव यू डन ऑल ऑफ यू? गुड। नाउ थर्ड, गुजरात। गुजरात में ये पिक्चर दी गई है, ये है संस्कार केंद्र। किसकी पिक्चर है ये? संस्कार केंद्र, ये गुजरात में है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संस्कार केंद्र? SANSKAR, संस्कार, KENDRA, केंद्र, संस्कार केंद्र। ओके, नाउ फोर्थ, केरला। ये केरला की पिक्चर है, यहाँ पर केरला में एक नेपियर म्यूजियम बना हुआ है। क्या क्या नेम है इस म्यूजियम का? नेपियर म्यूजियम। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नेपियर म्यूजियम? NAPIER, नेपियर, MUSEUM, म्यूजियम, नेपियर म्यूजियम। ओके, हैव यू डन ऑल ऑफ यू? गुड। नेक्स्ट है हमारा फाइव, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये, इसमें आप गए भी होंगे, आपने देखा होगा, कुछ बच्चों ने तो ज़रूर देखा होगा। ये है डॉल म्यूजियम। इसमें आपके जितने भी स्टेट्स हैं उनकी डोल रखी गई हैं, उनका पहनावा है, रीति रिवाज, जो भी कुछ होता है वो सब इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है। तो ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में कौन सा म्यूज़ियम है? डोल म्यूज़ियम। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ डोल म्यूज़ियम? DOLL, डोल, MUSEUM, म्यूज़ियम, डोल म्यूज़ियम। ओके, नाउ सिक्स, मुंबई। मुंबई में है प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम। कौन सा म्यूज़ियम है? प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, PRINCES, प्रिंसेस ऑफ WALES, वेल्स, MUSEUM, म्यूज़ियम, प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम। ओके, हैव यू डन? गुड। नाउ सेवन्थ, हैदराबाद। हैदराबाद में है सलारजंग म्यूज़ियम। कौन सा म्यूज़ियम है? सलारजंग म्यूज़ियम। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ सलारजंग? SALAR, सलार, JUNG, जंग, MUSEUM, म्यूज़ियम, सलारजंग म्यूज़ियम। एट है हमारा असम। असम में हमारा ये पिक्चर है शंकर देव कला क्षेत्र, शंकर देव कला क्षेत्र, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ शंकर देव कला क्षेत्र? SANKAR, शंकर, DEV, देव, शंकर देव, KALA, कला, KCHETRA, क्षेत्र, कला क्षेत्र, शंकर देव कला क्षेत्र। ओके,
नाउ नाइन्थ है हमारा कोलकाता में, कोलकाता में है इंडियन म्यूजियम। कौन सा म्यूजियम है? इंडियन म्यूजियम। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इंडियन म्यूजियम? INDIAN, इंडियन, MUSEUM, म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम। नाउ चैप्टर नंबर 32, ग्रेट साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट महान वैज्ञानिक। ओके, साइंटिस्ट तो आप जानते ही होंगे। हाँ जी, जिन्होंने बहुत से आविष्कार किए हैं उनको साइंटिस्ट कहते हैं। यस, आइए देखते हैं। द साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ सम साइंटिस्ट हैव ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। कुछ वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक उपलब्धियों ने विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। विद द हेल्प ऑफ क्ल्यूज गिवन एंड द पिक्चर्स आइडेंटिफाई देयर नेम्स। दिए गए क्ल्यूज और पिक्चर की हेल्प से आपके इनके नामों की पहचान करनी है। ओके, तो चलते हैं। वन, इंडियन फिजिक्स एंड नोबल लेक्यूरेट इन फिजिक्स रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क ऑन द मोलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। ही अर्न द नोबल प्राइज इन 1930 इन फिजिक्स। फिजिक्स में इंडियन फिजिक्स साइंटिस्ट महान साहित्यकार ने प्रकाश के मोलिकुलर स्कैटरिंग और उनके नाम पर रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव की खोज की। इसी काम को पहचान करते हुए इन्होंने 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कौन थे वो? देखिए, पिक्चर देखिए। गुड, सीवी रमन। कौन? सीवी रमन, CVRAMAN, रमन, सीवी रमन। गुड। नाउ सेकंड, फेमस साइंटिस्ट नो फॉर द बिग बैंग एंड ब्लैक होल थ्योरीज। हिज फेमस बुक इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। फेमस साइंटिस्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, नो फॉर द बिग बैंग एंड ब्लैक होल थ्योरीज। बिग बैंग और ब्लैक होल सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। हिज फेमस बुक, इनकी प्रसिद्ध बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। कौन है? स्टीफन हॉकिंग। कौन है? स्टीफन हॉकिंग। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्टीफन हॉकिंग? STEPHEN, स्टीफन हॉकिंग। HOWKING, हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग। नाउ थर्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। विज्ञान के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता में से एक है। ओके, हिज नो कॉन्ट्रीब्यूशंस लाई इन द डेवलपमेंट ऑफ द टेलीस्कोप। उनका योगदान दूरबीन के विकास में है। उनका योगदान दूरबीन के विकास में है। फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन एंड एस्ट्रोनॉमी, कानून, पहले दो कानून, गति और खगोल विज्ञान। ओके, गैलीलियो गैलीलियो, गैलीलियो गैलीलेई, गैलीलियो गैलीलेई। ओके, हैव यू डन? गुड। नाउ फोर्थ, इन्फ्लुएंटल साइंटिस्ट इन मेडिकल साइंस हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। इन्फ्लुएंटल साइंटिस्ट इन मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान में प्रभावशाली वैज्ञानिक। चिकित्सा विज्ञान में प्रभावशाली वैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार रोगों के रोगाणु सिद्धांत को पेश किया। जिन्होंने पहली बार रोगों के रोगाणु सिद्धांत को पेश किया। लुईस पोस्टियोर, लुईस पोस्टियोर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लुईस पास्टियोर? LOUIS, लुईस पास्टियोर, PASTEUR, पास्टियोर। ओके, नाउ फिफ्थ, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द
20th century and also a notable physicist. He got the Nobel Prize in Physics in 1921 for his explanation of the photoelectric effect and his research in theoretical physics. 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक और एक उल्लेखनीय भौतिक विज्ञानी भी थे, जिन्होंने 1921 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या और सिद्धांत भौतिकी में उनके शोध के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वे कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन? ALBERT अल्बर्ट आइंस्टीन, ESTEIN आइंस्टीन. हैव यू डन ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ चैप्टर नंबर 33. इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन. भारत का अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन. देखते हैं, फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, मेंबर ऑफ इंडो सोवियत स्पेस प्रोग्राम. अंतरिक्ष में पहले भारतीय इंडो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के मेंबर. कौन है? राकेश शर्मा. राकेश शर्मा. ओके, नाउ सेकंड, फर्स्ट इंडियन वेदर कम कम्युनिकेशन सैटेलाइट. पहला भारतीय मौसम सह संचार उपग्रह इनसैट फर्स्ट ए. हैव यू डन? नाउ थर्ड, फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS फर्स्ट ए. ओके, नाउ फोर्थ, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया प्योरली एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन मैथमेटिकन. भारत द्वारा शुरू किया गया पहला उपग्रह प्रकृति में प्रायोगिक तौर पर, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है आर्यभट्ट. ARYABHAWTA आर्यभट्ट. नाउ फिफ्थ, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बट अ 33 किलोग्राम सैटेलाइट नेम रोहिणी इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहला उपग्रह लॉन्च व्हीकल रोहिणी नामक 33 किलो के उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में रखा. SLV 3. ओके, नाउ सिक्स्थ, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस डाइड ऑन 1 February 2003 व्हेन हर स्पेस शटल कोलंबिया एक्सप्लोडेड 16 मिनट बिफोर लैंडिंग ऑन अर्थ. अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला जिनकी मृत्यु 1 February 2003 को हुई, जब उसके अंतरिक्ष यान कोलंबिया ने धरती पर उतरने से 15 मिनट पहले विस्फोट कर दिया. 16 मिनट पहले विस्फोट कर दिया. कौन थी वो? कल्पना चावला. KALPNA कल्पना, CHAWLA चावला, कल्पना चावला. ओके, नाउ लेसन नंबर 4, प्लांट लैडर. कंप्लीट द फॉलोइंग प्लांट लैडर विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. आपको इस ये लैडर जो दी गई है इसको क्लूज की हेल्प से फिल करना है. ठीक है, क्लूज आपके नीचे दिए गए हैं. आइए देखते हैं. आई एम ए फेमस ट्री ऑफ केरला.
आई हैव नो ब्रांचेज। मैं केरल का एक प्रसिद्ध पेड़ हूँ। केरल का एक प्रसिद्ध पेड़ हूँ। आई हैव नो ब्रांचेज, जिसकी कोई शाखा नहीं है। कौन सा पेड़ होता है? कोकोनट। सभी को पता है कोकोनट। तो यहाँ पर फिल करेंगे COCONUT, कोको नट। ओके, सेकंड है हमारा, आई गिव यू वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ ऑल वुड्स। मैं तुम्हें सबसे मजबूत लकड़ी देता हूँ। मैं तुम्हें सबसे मजबूत लकड़ी देता हूँ। कौन देता है? टीक। यस, टीक। सेकंड है हमारा टीक, TEAK, टीक। ओके, हैव यू डन? गुड। नाउ थर्ड है हमारा, आई एम ए ड्राई फ्रूट्स डैट मेक्स यू हेल्दी एंड स्ट्रोंग। मैं एक ड्राई फ्रूट हूँ जो आपको स्वस्थ और मजबूत बनाता हूँ। जो आपको स्वस्थ और मजबूत बनाता हूँ। कौन बनाता है आपको स्वस्थ? आलमंड, बादाम। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आलमंड? ALMOND, ALMOND, आलमंड। ओके, नाउ फोर्थ, आई एम अ ट्री ऑफ ग्रेट मेडिकल वैल्यू। सभी को पता है दवाई के रूप में कौन से पेड़ को यूज़ किया जाता है? नीम, नीम, NEEM, नीम। ओके, गुड। नाउ फिफ्थ हमारा, माई फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट। मेरे फलों को फलों का राजा कहा जाता है। मेरे फलों को फलों का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यस, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है मैंगो, MANGO, मैंगो। ओके, नाउ सिक्स, द फ्लेवर वेनिला कम्स फ्रॉम मी। वेनिला स्वाद मुझसे आता है। वेनिला स्वाद मुझसे आता है। किससे आता है? ऑर्चिड, ORCHID, ऑर्चिड। ओके, नाउ सेवन, माई बार्क इज यूज टू मेक क्वेनाइन अ ड्रग टू ट्रीट मलेरिया। माई बार्क इज यूज टू मेक कुनेन अ ड्रग टू ट्रीट मलेरिया। मेरी छाल का उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए कुनेन बनाने में किया जाता है। मेरी छाल का उपयोग मलेरिया के इलाज में कुनेन बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? गुड गुड, सिनकोना। किसका? सिनकोना, CINCHONA, सिनकोना। ओके, नाउ एट, आई एम द ओनली फ्रूट डैट इज ऑल्सो अ कलर। मैं एकमात्र ऐसा फल हूँ जो एक रंग भी है। मैं एकमात्र ऐसा फल हूँ जो एक रंग भी है। गुड, बताइए। ऑरेंज, सभी को पता है ORANGE, 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 ORANGE। नाउ नाइन, आई एम अ कॉमन स्पाइस। सभी जानते हैं, आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं, चाय में यूज़ कर रहे हैं उसका, जिंजर। कौन सा? जिंजर, JINGER, जिंजर। गुड, हैव यू डन? ओके, नाउ नाउ चैप्टर नंबर 35, सोब्री क्वेट्स। सोब्री क्वेट्स, राइट द प्राइमरी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, यहाँ पर सोब्री क्वेट्स दिया गया है और प्राइमरी नेम्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्ल्यूज दिए गए हैं, आपको यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, व्रज की भूमि। व्रज की भूमि कहाँ है? भूटान में, BHUTAN, भूटान। ओके, टू, गिफ्ट ऑफ नाइल। गिफ्ट ऑफ नाइल, तो नील का उपहार। नील का उपहार, इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट। ओके, नाउ थर्ड, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, हजार झीलों की भूमि। हजार झीलों की भूमि, फिनलैंड, FINLAND, फिनलैंड। ओके, फोर्थ, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, सफ़ेद हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि कहाँ है? थाईलैंड,
THAILAND, थाईलैंड। ओके, नाउ फिफ्थ, सिटी ऑफ सेवन हिल्स, सिटी ऑफ सेवन हिल्स, सात पहाड़ियों का शहर, सात पहाड़ियों का शहर, रोम, ROME, रोम। नाउ सिक्स, लैंड ऑफ मैपल, लैंड ऑफ मैपल, मैपल की भूमि, कनाडा, कहाँ है कनाडा, CANADA, इसको कनाडा भी बोलते हैं, ठीक है, कनाडा भी बोल सकते हो, कनाडा भी बोल सकते हो। ओके, नाउ सेवन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूरज के देश, उगते सूरज के देश, कौन है, जापान, JAPAN, जापान। नाउ एट, लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, लैंड ऑफ गोल्डन म्यांमार, MYANMAR, म्यांमार। ओके, नाउ नाइन, लैंड ऑफ लेक्स, झीलों की भूमि, झीलों की भूमि, स्कॉटलैंड, SCOTLAND, स्कॉटलैंड। टेंथ है हमारा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, सॉरी मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात सूरज की भूमि, यहाँ लिखेंगे हम नॉर्वे, NORWAY, नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पर देखो जितने भी मैम ने यहाँ पर आपको कंट्रीज़ के नेम फिल कराए हैं वो सब नीचे भी दिए गए हैं, ठीक है, आपकी राइट कोई भी स्पेलिंग रोंग हो तो आप यहाँ से मैच कर कर उसको लिख सकते हैं, और उनकी कुछ पिक्चर भी दी गई हैं उन कंट्रीज़ की, आप उनको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रोम की है, जापान, इजिप्ट, नॉर्वे, कनाडा, म्यांमार, भूटान, स्कॉटलैंड, ठीक है। ओके बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 35 कंप्लीट होता है, सभी बच्चे अपनी बुक को फिल कर लेंगे, ठीक है। आज मैम ने आपको 31, 32, 33, 34 एंड 35 का एक्सप्लेन किया है, सभी बच्चे अपनी बुक्स को फिल कर लेंगे, ठीक है, और अच्छे से फिल करेंगे, और इनको फिल करने के साथ साथ लर्न भी करना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।